हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे के बाद कोरोना ने दो लोगों की जान ले ली है। आईजीएमसी शिमला में कोरोना वायरस की चपेट में आए दो व्यक्तियों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक मंडी और एक कुल्लू जिला का निवासी था। मृतकों में देव बहादुर उम्र 69 साल, पुत्र तिलक राज निवासी जाज डाकखाना महोग तहसील करसोग जिला मंडी और नार सिंह उम्र 68 पुत्र ज्ञानदास गांव सरली डाकखाना कमांड तहसील आनी जिला कुल्लू शामिल हैं। बता दें कि देव बहादुर को कोविड वार्ड में 10 अक्टूबर 2023 को सुबह करीब 3:48 पर दाखिल किया गया था। इनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। देव बहादुर को गुर्दे और बुखार की तकलीफ पहले से थी। 11 अक्टूबर दोपहर करीब 1:09 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत्यु का कारण अचानक हृदय की गति बंद होना बताया गया। देव बहादुर को वैक्सीन के दोनों टीके लगे हुए थे। वहीं नार सिंह को कोविड वार्ड में 10 अक्टूबर को शाम करीब 5:02 पर भर्ती कराया गया था। उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। उनको सांस हृदय की मांसपेशियों का संक्रमण तथा खून की खराबी व मधुमेह की शिकायत थी। नार सिंह को 11 अक्टूबर 2:11 पर चिकित्सक द्वारा मृत घोषित किया गया। मृत्यु का कारण अचानक हृदय गति बंद होना बताया गया है। इन्हें भी दोनों टीके लगे हुए थे। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।